इस समय हम जनपद आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली अंतर्गत पिपरी एक ग्राम सभा है, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अभी पुलिस ये मान के चल रही है, लेकिन हम लोग परिवार के घर जब पहुंचे हैं, परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर उसकी पीट कर लाठियों डंडे से हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी तक पुलिस परिवार ने बताया है कि नामजद हमने तहरीर दिया, उसके बाद ही पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। फूलपुर कोतवाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन जब परिवार ने तहरीर लिखित दिया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा प्रश्न है। और परिवार से भी हम जानेंगे उनका नाम क्या था जिनकी हत्या हुई। कितनी उम्र थी? 36। कौन लोग मारे हैं उनको? रमेश, ब्रजेश, हिरमणि, करिश्मा, गोविंदवा, गौतम, रामनैन और कना रे अभरी, ये सब पूरा मिल के मारे। ये लोग कहाँ के? गांव के लोग, गांव के ही हैं, ये है घर के हैं, पूरा मिल के सब लोग साजिश रच के मारे हैं, पूरा घर के हैं। ये कौन है? मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, आप उनकी भाभी हैं? क्या कोई पहले कोई मामला था? नहीं, अचानक क्यों झगड़ा हुआ इससे? वो क्रिकेट देखने जा रहे थे और हम बोले भैया जा रहे हैं, जंगल में चले आना, औरत का दर्द उसको लेके जाना, कहाँ ठीक है, हम चले आएंगे। उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, वहाँ से घर में मारते पीटे लेके, ये घर बना रहा, ये वही में साधन है, वही साधन सबसे लगे पूरा साधन है। उनको मार की जा रही तो कौन कौन देखे? कुछ लोग देखे, बहुत जन देखे, बोला पूरा यहाँ पे, अरे घर पे आके तड़िया तड़िया मारे ना पूरा। कौन लोग देखे थे आप बताइए? मौके पे हमारा बच्चा देखा है, ये देखे हर एक औरत देखे है, घर पूरा लड़का है मेरा बेटा, जब घर पे मारा उसका बेटा मारा है, यहाँ पे देखो वहाँ पर मारे मारा है, हाथ फेरा पे छुट गया। ये बताइए, जब डेड बॉडी जो मिली है किस स्थिति में थी, कैसे थी? स्थिति खराब थी साहब, मुझे तो मालूम है, मैं एक को तो जन्म दे के आई हूँ, ऑपरेशन फांसी पे लटकाया था, फांसी पे लटकाया, उसको फांसी पे लटका दिए थे, मार के उसका पेड़ था, आम का पेड़ है, चले आप देख लीजिए, उसी पे लटकाया था, बांध के उसको लटका दिए थे, उसी में लटकाया गया था, उसी से मिला। शरीर पे चोट के निशान उनको दिखाई दे रहे हैं, उसका चैन खुला था, भाई जान पे पूरा उसका दबा दबा, भाई जान कुछ नहीं है, जीभ निकली, यहाँ पे मारे थे, यहाँ पे मारे थे, जीभ इतनी जबान निकली है इसकी। ब्लड व्लड कहीं दिखाई दे रहा है? हल्का से। वहाँ पुलिस गई थी? पुलिस सुबह आई, पुलिस आई उतारी, पुलिस ही उतारी। ये सूचना आप लोग कैसे मिली उनकी हत्या हुई है? लड़की गई थी। ये बताइए, आप लोगों ने पुलिस को नामजद तहरीर दिया, एप्लीकेशन, दरखास्त? कुछ हम लोग थाने पे चलिए, थाने पे चलेंगे, हमको नहीं सील करने दे रहे थे, सील कर ले, हमारे घर में आदमी आ जाएंगे तब सील होगा। आपने पुलिस में लिखी तहरीर दरखास्त दिया है? कुछ नहीं दिया अभी, दरखास्त नहीं, कुछ भी नहीं, कहे चलो तहसील में, वहाँ पे होगा, वहाँ पे हम इतना टाइम तक बैठे रहे, कोई हमारे साथ नहीं आया है, आपकी पुलिस मदद नहीं, कोई नहीं आया है। मैं नहीं, मैं रोका रहा हूँ माटी की, मेरा भाई आ जाएगा तो माटी में जा दूंगा। पुलिस ने कहा, बोला की नहीं मरती वहाँ पे, देख लेंगे। मैं कहूँ नहीं, मैं अपने भाई के मुंह देखूंगा, मैं पैंट देखूंगा, तो पैंट सब चैन खो दिए हैं। घटना कब की? रात में हुई, दिन में? रात में हुई है, रात में 12-1 बजे मार के हमने लाठी रखा है। ये बताइए, जब वो रात में घर नहीं आए, 11 बजे ना भाई, अच्छा जब वो मारा पीटा घर के सामने, तो दिन था उस समय? हमको ये बताइए, जब यहाँ घर पे आप उसको मार रहे थे, दिन तक रात में? रात में, जब रात में फिर भगा, फिर रात में हत्या हुई है? हाँ, रात में हत्या हुई है। अच्छा, जब रात में वो भगा तो आप लोग ढूंढे नहीं? आप ढूंढे हैं, मेरे दोनों बच्चे वहाँ तक ढूंढ के आए, लेकिन बाप तक सिर्फ नहीं गए, मैं भी लेके गई अपनी जमाने को, उसको भी लेके साथ में हुआ, वो बोली मेरे को, मेरा राजा कहाँ है, मैं चलो दीदी साथ में ढूंढ के लाते हैं, वो भी साथ में गई है, पूरा ढूंढे लेकिन कहीं नहीं अपने दिखा, पति कुप्पा वहाँ से मार गई है, यहाँ पे डिलीवरी लेके उसको दिलवरी, जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी को डिलीवरी हुई? हाँ, डिलीवरी हुई, मारे डिलीवरी, उसको भी मारा गया, उसको पता नहीं, चालू हो गया सब, हॉस्पिटल गया, जवाब दे दिया, तब यहाँ से बच्चा
बेटाइम के बच्चा हुआ था, बेसमय बच्चा हुआ था। ये बताइए उसमें चोट लगी थी, उसे क्या मान करेंगे? जान चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारा जैसा जान गया है उसी तरह सब हम लोग को देखेंगे। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं साहब, तब तक हम लोग कर्जा नहीं जुड़ाएंगे। जैसे लाल के मार के जैसे जैसे मारन के बच्चा को औरत के क्या हुई, क्या देखी, क्या देखभाल करी, या कुछ आर्थिक मदद की भी मांग करेंगे सरकार से? जान के बदला जान चाहिए, इंसाफ भी चाहिए। एक बच्चा पैदा हुआ उसको भी चाहिए, उसकी औरत को भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार का आरोप है, सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग मिलके उनकी पीट कर हत्या की गई है। और वहाँ पर गई है, वापस नहीं आई। अभी हम आपको घटना स्थल भी दिखाएंगे। वहाँ पर जो है जो डेड बॉडी मिली है उसको फांसी का रूप दिया गया, परिवार का आरोप है। उनका सीधा सीधा आरोप है हत्या करके उनको फांसी का रूप दिया गया है। देखना यह की पुलिस उसमें कितनी सक्रियता के साथ न्याय कर पाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार वहाँ पर एसओ महोदय कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? और यहाँ पर जिस तरह से इस तरह एक गरीब परिवार में हत्या की गई है, परिवार का मांग है कि उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी जाए। और पूरा बदन उसका लकड़ी हो गया, इतना घेघवा का कर रहा, पुलिस आ गया, घेघवा का उतारी, ये सब इतना देख लीजिए सरकार, ये है देख लीजिए, देख लीजिए किस तरह लटका दिए हैं आप। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार, मुझे इंसाफ चाहिए। जान के बदले मैं जान लूंगी, उसकी बीवी बच्चों की भी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। हट्टा कट्टा वो पूरा है, दो आदमी उसका कुछ नहीं कर सकते, दो आदमी को अकेल मार सकता है। ऐसा लड़का की हमारे सबसे छोटा देवर था, हम लोग पांच देवर जड़ाने, हमारे पांच ससुर है। यहाँ पर देखिए परिवार का आरोप है, ये जो गेहूं का खेत गेहूं टूटा हुआ है, परिवार सीधे सीधे आरोप लगा रहा है इसी गेहूं में उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट गए और ये फांसी का रूप दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम एरिया जो है, यहाँ पर अभी तक गिर किया गया है, मार गया, यहाँ पर लटकाए दे हैं। डॉग स्क्वाड आया था यहाँ पर, कुत्ते वाली को नहीं, कुत्ते वाली नहीं आए थे, रात में नहीं लेके गई, सुबह लेके गई है। सुबह में पुलिस अपने साथ कुत्ता स्क्वाड लेके आए थे। यहाँ पर देखिए क्राइम एरिया जो है उसको तनाव सील किया गया है और परिवार का आरोप डॉग स्क्वाड भी नहीं आता। अगर पुलिस गहनता से छानबीन और करती तो निश्चित रूप से जो इनका आरोप है उसके तथ्यों का और खुलासा हो पाता। लेकिन अब आगे देखना ये है कि पुलिस किन निष्कर्षों पर पहुंच के जो परिवार का आरोप है उसको कितना सही कर पाती है, ऐसा कहाँ से मिलेगा। अब देखना यह कि प्रशासन और शासन के लोग इस गरीब परिवार की सहायता कैसे कर पाते हैं। तब तक लीजिए।